अरहंत सिद्ध विकरात परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। ह्यूमन बिहेवियर का एक आयाम यह भी है कि जब किसी इंसान की स्वार्थ पूर्ति में बाधा उपस्थित होती है तब वह क्रुद्ध हो जाता है, यानी जब हमारा मतलब पूरा होने में कोई भी तरह की अड़चन सामने आती है तब अपेरेंटली जो रीजन बनता है हमारी रुकावट का, अड़चन का, उसके प्रति हम गुस्सा करने लग जाते हैं। क्रोधित हो ही जाता है इंसान, क्योंकि वह उसकी राह में रोड़ा जो अटका रहा था। लेकिन गुस्सा करके वह दूसरों का नुकसान तो करेगा जो करेगा, सबसे ज्यादा अहित और अपना ही नुकसान वह कर बैठता है। जम्बू कुमार की पत्नियों का जब तक मतलब सद रहा था प्रभव चोर से, जब तक प्रभव चोर जम्बू कुमार को दीक्षा न लेने के लिए मना रहा था, उन्हें तरह तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहा था, तब तक तो वे प्रभव को मानो देवदूत के समान समझ रही थी और उसकी सारी बातों को बड़े ही शांति और धैर्य के साथ में सुन रही थी। लेकिन जैसे ही प्रभव पर भी जम्बू कुमार का रंग चढ़ गया और अब वह भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया, तो जम्बू कुमार की एक पत्नी समुद्र श्री अत्यंत लाल पीली हो गई प्रभव चोर के ऊपर और उस पर इल्जाम लगा दिया कि तुमने ही जम्बू कुमार को दीक्षा लेने के लिए और अधिक उकसाया है, उत्तेजित किया है। यद्यपि स्थिति ऐसी नहीं थी, परंतु अब उनका मतलब जो नहीं सध रहा था, प्रभव चोर इस स्थिति को समझ गया और बड़े ही शांति और संयत स्वरों में उसने कहा कि बहन, मैंने तो जम्बू कुमार को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन अंत में उन्होंने ही मुझे समझा दिया। अब आप ही प्रयत्न करके देख लीजिए, आप ही जम्बू कुमार को दीक्षा न लेने के लिए समझा दीजिए। ऐसा कहकर प्रभव चोर तो चुप हो गया। अब समुद्र श्री, जो जम्बू कुमार की 8 पत्नियों में एक पत्नी है, वह जम्बू कुमार की ओर लक्ष्य करके उन्हें कहती है, प्राणनाथ, आप दयावान बनने चले हैं, परंतु आपकी दया का जो रूप हमारे सामने है, यदि वही वास्तविक दया है तो उसे धर्म कैसे माना जा सकता है? आप किसी के हृदय में दुखों की भीषण ज्वाला सुलगा कर, कलेजे में वियोग की कटारी भोंक कर, उससे उसका सर्वस्व छीन कर और उसे दुखों के दावानल में झुलसने के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, क्या यही दया है? मैंने तो सुना है दया देवी है, मंगलमयी है, करुणा मूर्ति है, परंतु आप जिसकी आराधना करने जा रहे हैं वह तो विकराल दानवी है, अमंगल जननी है और निष्ठुर है। आप इस राक्षसी के भ्रम में पड़कर अपना और हमारा भी अनिष्ट क्यों कर रहे हैं? जिसने आपको अपनी आशाओं का केंद्र बनाया है, अपने सुखों का आधार और अपना जीवन धन माना है, उनके ही ऊपर प्रहार करके आप भला किस धर्म की आराधना कर सकेंगे? और जो प्रत्यक्ष सुख आपको प्राप्त है, उन पर लात मारकर कल्पना लोक के सुखों की कामना करना दीर्घदर्शी विचारशील पुरुष का कर्तव्य नहीं है। गोद में रहे हुए लड़के को छोड़कर पेट के लड़के पर आशा रखना, यह तो बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है, दुराशा मात्र है, बग किसान के समान मूढ़ता है। अब समुद्र श्री बग किसान की कहानी कहती है। मारवाड़ के सुबरी नामक गांव में एक बग नाम का किसान रहता था। उसने अपने खेत में मोठ और बाजरी बोए। फिर मोठ बाजरी बोने के बाद में एक दिन वह अपने ससुराल गया। उसके ससुराल में इक्षु बहुत होते थे। जमाई जी के आने पर इक्षु का ताजा रस निकलवा कर उसका ताजा गुड़ बनवाया गया और उससे बढ़िया स्वादिष्ट मालपुए बनवाए गए। बग ने आज से पहले कभी मालपुए के दर्शन तक नहीं किए थे। बग को उस मालपुए की मिठास में इतना अद्भुत सुख अनुभव हुआ कि वह एक एक कौर में ही एक एक पूरा मालपुआ निगलने लगा। बग किसान की यह करतूत जब उसकी सासू माँ और साली ने देखा, तो उन्होंने यह देखकर आपस में सोचा कि अगर कोई दूसरा इन्हें देखेगा तो इन्हें कंगाल और भुखमरा समझेगा, इससे इनकी तो बदनामी होगी ही, साथ में हमारी भी नाक कट जाएगी।
इसीलिए अच्छा हो कि हम इन्हें इशारा करके समझा देवे कि एक कौर में एक मालपुआ पूरा न खाए, बल्कि मालपुए के दो टुकड़े करके खाए। यह सोचकर साली ने बग किसान को दो उंगलियों का इशारा किया। जमाई जी ने यह इशारा देखकर समझा कि शायद ये मुझे कहना चाह रही हैं कि मैं एक कौर में एक नहीं बल्कि दो दो मालपुए खा जाऊं। सत्य है, हर व्यक्ति सामने रहे हुए संकेतों का अर्थ तो अपने ही मति के अनुरूप ग्रहण करता है। हमारे पास में भी शास्त्रों के अनेक संकेत मिले हैं, प्राप्त होते हैं। ये सारे शास्त्र जो हैं, ग्रंथों के जो वाक्य हैं, सूत्र वाक्य हैं, ये सब इशारे रूप हैं। और गुरुवाणी आगम ज्ञान हमें इशारा करता है, संकेत देता है, किंतु इनका अर्थ हर व्यक्ति अपने अपने मति के अनुरूप ही लगा लेता है और इसी के कारण से बहुत सारी उलझन पैदा हो जाती है। बग किसान ने भी उसका अर्थ यही लगाया कि शायद ये मुझे कह रही है कि एक कौर में एक नहीं बल्कि दो मालपुए खाने चाहिए। यह सोचकर अब वह प्रत्येक कौर में दो दो मालपुए अपने मुंह में घुसाने लगा। जब वह दो मालपुए एक साथ अपने मुंह में डालता तो इससे उसका गाल फूल जाता और उस समय में वह ऐसा लगता मानो उसका मुंह बंदर का मुंह हो। यह देखकर दूसरे जो भी लोग थे उन लोगों की हंसी का पार नहीं रहा और अब सब लोगों ने मिलकर बग किसान की जी भर के हंसी उड़ाई। खैर, बग तो अपने भोजन में व्यस्त था। बग जब भोजन करके उठा तो उसने मालपुए बनाने का क्रम पूछा कि मालपुए बनाने की विधि क्या है, किस तरह से ये स्वादिष्ट मालपुए तैयार किए जाते हैं। तब उसके ससुराल वाले उसे अपने खेत पर ले गए, वहां उसे इक्षु दिखाए। इक्षु रस निकालने और गुड़ बनाने और फिर उसके पश्चात मालपुए तैयार करने का पूरा क्रम उन्होंने बग किसान को सिखा दिया, समझा दिया। बग जब उसके लौटने का समय हुआ तो मारवाड़ आते समय वह इक्षु के बीज लेता आया और इधर जब वह आया तब तक मोट बाजरी पकने में कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन मालपुए की मिठास ने, इक्षु की मिठास ने उसे इतना अधीर बना दिया कि वह इंतजार न कर सका। उसने तुरंत अपने खेत के मोट बाजरे उखाड़ फेंके और उसके स्थान पर इक्षु बो दिए। घर वालों ने और उसके पड़ोस वालों ने, आसपास वालों ने, सबने उसे ऐसी नादानी न करने के लिए समझाया, बहुत कुछ कहा सुना, लेकिन बग ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी नादानी, अपनी मनमानी कर बैठा। लेकिन उसकी इस नादानी के कारण से वह मोट बाजरे से तो हाथ धो बैठा और इधर मारवाड़ में जल के अभाव के कारण से इक्षु भी नहीं हो पाए। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसको उसने कुआं खुदवाने में लगा दिया, लेकिन कुएं में भी पानी नहीं निकला, जल का तो कहीं पता भी नहीं लगा। और इस तरह से बग किसान न इधर का रहा न उधर का रहा। यह कहानी कहकर समुद्र श्री आगे अपना कथन जारी रखते हुए जम्बू कुमार से कहती है, पतिदेव, आप भी बग किसान के समान ही मूढ़ता कर रहे हैं। आप मुक्ति रूपी मालपुए के सुख के लालच में आकर के मोट बाजरे के समान हमें त्याग रहे हैं, परंतु याद रखिए, मुक्ति का कहीं अता पता नहीं है, इसीलिए उसकी प्राप्ति होना कल्पना मात्र है और उस मुक्ति के कारण से आप हमसे और इन सांसारिक सुखों से भी हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए हमारी आपसे यह नम्र प्रार्थना है कि आप मुक्ति के सुख के फेर में न पड़कर लोक में जो स्वतः प्राप्त सुख है उनका उपभोग करें। और इसके अतिरिक्त प्रभव जैसा यह कठोर शरीर वाला व्यक्ति तो साधु वृत्ति के कष्टों को सहन कर सकता है, परंतु आपका शरीर अत्यंत कोमल है। आपने न कभी अत्यधिक गर्मी देखी है और न ही कभी सर्दी देखी है, पैर कभी जमीन पर नहीं रखे हैं। ऐसे में साधु अवस्था में होने वाले उन कष्टों को आप भला कैसे सहन कर पाएंगे? क्या आप झोली पात्र आदि लाद कर नंगे पैर और नंगे सिर कड़ी धूप के अंदर धीरे धीरे चल पाएंगे? कदापि नहीं हो सकता। आपका शरीर ये सब कष्टों को सहन करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इन कष्टों को झेलने में समर्थ ही नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमारा यह दीन अनुरोध स्वीकार कीजिए और गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। जम्बू कुमार समुद्र श्री की यह संपूर्ण बात सुनकर के
बहुत गंभीर होकर के अब समुद्र श्री से कहने लगे, समुद्र श्री, तुम सभी मुझे बहुत प्यार करती हो, यह मैं खूब समझ रहा हूँ, परंतु मनुष्य को अपने असली और उच्च उद्देश्य को सदा लक्ष्य में रखना चाहिए, परंतु हम लोग छोटी छोटी और महत्वहीन बातों में पढ़ करके जो बड़ी और महत्व की बातें हैं उनको भूल जाते हैं, और ऐसा करके हम अपना जीवन निरर्थक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अत्यंत प्रबल पुण्य के योग से यह मनुष्य जन्म हम सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन हमने अगर इसे एक बार व्यर्थ ही जाने दिया, वृथा खो दिया इस जीवन को, तब फिर पुनः दोबारा कब इसकी प्राप्ति होगी यह कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में अत्यंत सद्भाग्य से यह जो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और फिर यदि भोगोपभोग में ही पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया जाए तो तुम ही सोचो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन यानी भोजन करना, नींद लेना, डरना और विषय भोग करना, इन सब का सेवन तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य में ही यह विशेषता है कि वह धर्म का पालन कर सकता है। और यदि मनुष्य धर्म का पालन ना करे, अपनी आत्म गुणों को विकसित ना करे, तब फिर आकृति से इंसान होते हुए भी वह पशुवत ही हो जाएगा, पशु के समान ही होगा। कहा भी है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसका अर्थ यही है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सब तो मनुष्य में और पशु में सब में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन धर्म ही एक ऐसी विशेष बात है जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। सच ही तो है, हम मनुष्य हैं और इसीलिए इस मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, क्योंकि एक इंसान ही है जो भूले करके उन भूलों से सीख प्राप्त कर सकता है और पुनः वैसी भूल, वैसी गलती ना करके अपने आप को सही मार्ग पर लाने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है, सही मार्ग पर आ सकता है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो मनुष्य ही पशुओं से, मनुष्य का यह गुण ही, यह विशेषता ही उसे पशुओं से श्रेष्ठ बनाती है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, यदि उस धर्म का पालन न किया जाए तब तो वह पशु के समान ही हो जाएगा। प्रिय, तुम सुख भोग को अधिक प्रधानता देती हो, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि ये सांसारिक भोगोपभोग उस अग्नि के समान है कि जिसमें काष्ठ आदि जितना भी ईंधन डाला जाए वह अग्नि और अधिक प्रबल ही होती है। ईंधन डालने से वह कभी भी शांत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जितना हम इन भोगों का भोग करते चले जाएंगे उतनी ही इनको भोगने की अभिलाषा और अधिक बढ़ती ही चली जाएगी। अग्नि के समान वह और अधिक प्रदीप्त हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। और भोगों को भोगते 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 इंसान वृद्ध हो जाता है, लेकिन ये भोगों की अभिलाषा सदा तरुणी यानी नव युवती ही बनी रहती है। भोग की कामना का कभी अंत नहीं आता है, लेकिन इंसान का जीवन अंत हो जाता है, इंसान का जीवन समाप्त होने आता है, लेकिन भोगों की कामना कभी समाप्त नहीं होती है। कहा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात भोगों ने हमें नहीं भोगा, वरन हम ही भोगों के द्वारा भोग लिए गए। यानी हमें लगता है, इंसान को यह भ्रम है कि हम भोग भोग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है, अनुभवी और विज्ञ जनों का अपना अनुभव ज्ञान ये कहता है कि हम भोगों को नहीं भोगते, बल्कि ये भोगों के द्वारा हम ही भोग लिए जाते हैं। और यह तृष्णा, ये जो भोग भोगने की अभिलाषा है और सुख प्राप्त हो और मुझे ये भोगों का सेवन होता चला जाए, ये तृष्णा कभी भी जीर्ण नहीं होती है। यानी ये तृष्णा ऐसी है जो कभी बूढ़ी नहीं होती और कभी भी समाप्त नहीं होती है, हमारा ही जीवन समाप्त होने को आ जाता है।
और यदि तुम्हारा यह विश्वास है, जम्बू कुमार समुद्र श्री को समझाते हैं कि यदि तुम्हारा यह विश्वास है कि हम इन सुखों को भोग करके संतुष्ट हो जाएंगे, एक बार संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए, तो यह भी तुम्हारी गलत समझ है, क्योंकि इन भोगों की फितरत ही ऐसी है कि इन भोगों को चाहे जितना भोग लिया जाए, यह आत्मा आज से पहले अनंत पूर्व जन्मों में भी इन भोगों को भोगते चली आ रही है, लेकिन फिर भी कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। यह असंतुष्टि सदैव बरकरार ही बनी रहती है। इसीलिए यदि सुख, शांति और संतोष पाना है, तो उसका एक ही उपाय है, और वह है कि भोगों की इस कामना को अपने भीतर से जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया जाए। अपने अंदर से इस भोग भोगने की अभिलाषा को समझकर इसे अपने भीतर से तुरंत निकाल दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए। यही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है। और तुम कहती हो कि मुक्ति का सुख तो कल्पना मात्र है, तो यह तुम्हारी समझ की अशुद्धि है। इसी के कारण से तुम यह कथन कर रही हो। तुम समझो कि मुक्ति के सुख की कामना के कारण से कोई दीक्षा अंगीकार नहीं करता है। मैं यह दीक्षा इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं कोई मोक्ष के सुख पाना चाहता हूँ। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि लोक में जो यह सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं, इन सुखों को छोड़ करके कोई व्यक्ति दीक्षा इसलिए लेता है क्योंकि वह मोक्ष के और बड़े सुख पाने के लिए अभिलाषी है, उन मोक्ष के सुखों को पाने का आकांक्षी है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह गलत समझ है, यह भ्रमणा है, यह भूल है। क्योंकि मुक्ति ना तो किसी स्थान का नाम है और ना ही कहीं जाने का नाम मुक्ति है। और फिर ये जो मोक्ष का सुख पाने की कामना की बात करती हो, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब तक किसी भी तरह की कामना मन में है, यह कामना एक ऐसा शल्य है, एक ऐसा कांटा है कि जब तक यह किसी के हृदय में गड़ा हुआ रहता है, फिर चाहे वह मोक्ष का सुख पाने के नाम पर ही क्यों ना हो, जब तक वह कामना भीतर है, तब तक मुक्ति कदापि संभव नहीं है। क्योंकि मुक्ति तो बंधन मुक्त अवस्था का नाम है। मुक्ति अथवा मोक्ष किसी प्लेस का नाम नहीं है कि वहां पर जाना है और फिर वहां पर बहुत सुखों का भोग करना है। नहीं, यह हमारी गलत समझ है। जो कोई भी व्यक्ति मोक्ष के सुख की कल्पना करता है और मोक्ष के सुख पाने के लालच में यह लौकिक सुखों का त्याग करता है, तो वहां उसकी समझ में भूल है। हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि हम सबकी आत्मा में चार मौलिक गुण हैं, जो कि उसका निज धर्म है, अपना मौलिक स्वभाव है। वो चार मूल गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, जिसे लोग अनंत सुख के नाम से भी कह देते हैं, और चौथा है अनंत वीर्य, जिसे लोग अनंत शक्ति भी कह देते हैं। ये चार गुण आत्मा के मौलिक गुण है, यानी जो उसके साथ सदैव मौजूद रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। लेकिन वर्तमान में हम सब की जीवात्मा कर्मों से घिरी हुई होने के कारण, ये जो कर्मों का लेप हमने अपने आत्मा के इर्द गिर्द लगा रखा है, उसके कारण से हम अपने इस अमौलिक स्वरूप से च्युत हो रहे हैं। हम अनेक तरह की विकृतियों से विकृत हो चुके हैं और कर्मों का यह लेप हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी, आत्मिक गुणों का जो प्रकाश है वह थोड़ा बहुत अंशों में ही सही सदैव उद्घाटित रहता ही है। वह हम सब की आत्मा के भीतर ही है और किसी न किसी अंश में वह गुण सदैव प्रकट रहते ही हैं। जिस तरह से सघन बादल भी आ जाए तो भी सूर्य के प्रकाश को सर्वथा प्रकाश से रोकने में असमर्थ होते हैं, सूर्य का प्रकाश तो कुछ न कुछ अंशों में मौजूद रहता ही है। ठीक उसी तरह से प्रबल कर्म भी हमारी आत्मा के गुणों का सर्वथा प्रकार से घात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा है कि आत्मा की कर्माविष्ठित अवस्था में आत्मिक गुणों का थोड़ा बहुत अंश प्रकट रहता है और उसका प्रकाश बाहर दिखाई देता है। तो अब
एक जीव साधना करने के लिए संकल्प करता है क्योंकि वह साधना के द्वारा अपने उन जो थोड़ा सा गुण उजागर है उन आत्मिक गुणों को पूरी तरह से उजागर कर देना चाहता है। उन कर्मों के आवरण को दूर करके साधना के द्वारा वह कर्मों का लेप दूर करके अपनी आत्मा का जो सहज मूल स्वरूप है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्यमय है, उस स्वरूप को पूरी तरह से अनावरित कर देना चाहता है, उद्घाटित कर देना चाहता है और इसी आत्मा की मौलिक स्वरूप की स्थिति को मुक्त अवस्था कहते हैं। इसी का नाम मुक्त अवस्था है। तो मोक्ष अथवा मुक्ति कोई जगह नहीं है जहां पर जाना है, बल्कि वह तो हमारी आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है और इसी के लिए एक व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है। तो जो तुम यह कहती हो कि हम मोक्ष के सुखों की कामना के लालच में पड़े हुए हैं, तो याद रखो, लालच कैसा भी हो, चाहे वह मोक्ष का भी लोभ क्यों ना हो, जब तक लोभ है तब तक आत्मिक गुण उजागर नहीं हो पाएंगे। और फिर तुम यह भी कहती हो कि मेरा शरीर कोमल है, इसीलिए मैं साधु वृत्ति के कष्टों को सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए कि हमारे शरीर के भीतर आत्मा निवास करती है और वह आत्मा अनंत वीर्यवान है, यानी उस आत्मा में असीम शक्ति है, अपरिसीम शक्ति है। और जब एक व्यक्ति का लक्ष्य आत्मलक्षी हो जाता है वह, और उसका ध्यान शरीर की ओर से हट करके आत्ममुखी हो जाता है, तब उस समय में शरीर पर आए हुए कष्टों को वह बहुत आसानी से सहन कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से आत्मा की ओर रहता है और वह यह अनुभव कर पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे में जो भी कष्ट शरीर को आएंगे वह कष्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण से उस आत्ममुखी जीव को पीड़ा अथवा दुख की अनुभूति नहीं होती है। और फिर ये जो कष्ट हैं, इन कष्टों से अनंत गुने अधिक कष्ट और अनंत गुनी अधिक वेदना हम सबके जीव ने नरक और तिर्यंच गति के अंदर सहन की है। नरक और तिर्यंच ये दो दुर्गतियां हैं जिनके अंदर एक जीवात्मा नाना प्रकार के दुखों को सहन करता है। जब हमने उन दुखों को सहन कर लिया है तब फिर साधु वृत्ति के कष्टों को सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझे इन कष्टों से बचाना चाहती हो और सुख का भागी बनाना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम आग्रह करके मुझे उस पथ पर क्यों घसीट रही हो जो पथ सीधा ही नरक की ओर ले जाता है। तुम मुझे सांसारिक सुख के भोगों को भोग के लिए प्रेरित कर रही हो, उनके लिए समझाने का प्रयत्न कर रही हो, लेकिन समझो कि ये सांसारिक भोगों को जितना हम भोगेंगे, इसके प्रति जितनी हमारी आसक्ति होगी, उस आसक्ति के कारण से ही तो यह जीव अनेक तरह के क्रूर और पाप कर्म करता है, क्योंकि वह संसार के सुखों को अधिक से अधिक हासिल करना चाहता है और उन सांसारिक सुखों में लिप्त हुआ रहता है। उस आसक्ति के कारण से वह नरक और तिर्यंच जैसी दुर्गतियों का मेहमान बनता है। तो तुम मुझे सुख भोगी बनाने के चक्कर में मुझे दुख के मार्ग का राही बना रही हो, इसीलिए यह तुम्हारी बात उचित नहीं है। और फिर तुम बग किसान का उदाहरण दे रही हो, लेकिन बग किसान का उदाहरण मुझ पर लागू भी नहीं होता है, क्योंकि बग किसान तो पौद्गलिक सुखों का लालची था। वह तो एक सुख पाने के चक्कर में दूसरे सुख को अपने हाथ से गंवा बैठा था, क्योंकि उसे अपना सुख नजर नहीं आ रहा था और वह उससे और अधिक बड़े सुख की कामना में अधीर होकर के दुखों का पात्र बन बैठा। यही तो बग किसान की जैसी ही स्थिति संसार के सब जीवों की हो रही है। सभी सांसारिक जीव यही तो करते आ रहे हैं। वो लोग जो उन्हें सुख मिले हुए हैं, जो भी थोड़े बहुत सुख है, वो तो उन्हें बहुत कम और तुच्छ और हल्के प्रतीत होते हैं और सामने वाले में उन्हें बहुत अधिक सुख नजर आता है। वो कहते हैं ना कि घास हमेशा सामने वाले की ज्यादा हरी नजर आती है और घी दूसरों की थाली में ही अधिक दिखाई देता है। तो बस इसी के फेर में पड़ करके सभी सांसारिक जीव और अधिक बड़ा सुख पाने के चक्कर में इस सुख को भी खो बैठते हैं और वह सुख भी उनके हाथ में नहीं आता है और इस चक्कर में वे दुख भोगी बन जाते हैं, दुखों के पात्र बन जाते हैं। किंतु मैं तो सुख मात्र का ही त्याग करना चाहता हूँ।
मैं तो किसी भी पुद्गलिक सुख का अभिलाषी हूँ ही नहीं, तब ऐसे में मेरे लिए बग किसान की उपमा देना कहाँ तक भला सार्थक हो सकता है। तुमने नर्मदा नदी का नाम तो सुना ही होगा। हुआ ऐसा कि एक दिन नर्मदा नदी के किनारे पर एक हाथी मर गया। उस हाथी का भोजन करने के लिए अनेकों कौवे आदि पक्षी वहां पर इकट्ठे हुए। बड़ी दूर दूर से वे वहां पर उस हाथी का मांस खाने के लिए आए। वे सभी कौवे आदि पक्षी दिन के समय वहां पर आते, अपना भोजन करते और शाम का समय हो जाने पर अपने अपने रैन बसेरे के लिए लौट जाते। एक दिन एक कौवा हाथी के मल द्वार के रास्ते से होकर के उसके पेट के भीतर पहुंच गया। पेट के अंदर प्रवेश करने पर उसे वहां कोमल मांस प्राप्त हुआ और उस कोमल मांस को खाकर के उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि हाथी का यह पेट के भीतर का मांस तो अत्यधिक कोमल है और इसे खाकर के अब मैं पूरी तरह से तृप्त हो जाऊंगा। शाम का समय हुआ। शाम का समय होने पर सभी कौवे काव काव का संकेत करने लगे और चलने के लिए उनका यह संकेत था कि अब शाम का समय हो गया है तो अपने अपने नीड़ की ओर लौट जाना चाहिए। उस भीतर घुसे कौवे ने उनका शब्द सुना और वह संकेत भी समझ गया कि ये चलने के लिए संकेत कर रहे हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे इससे अधिक सुरक्षित स्थान ठहरने के लिए दूसरा कहाँ मिलेगा, और फिर इसके अतिरिक्त दूर आना जाना भी एक बड़ी झंझट की बात है, इसीलिए मैं तो यहीं पर रह जाता हूँ। दूसरे सभी कौवे काव काव का संकेत दे रहे थे और चलने के लिए तैयार हो गए थे, और जब वह कौवा भीतर घुसा कौवा जब उनकी इस संकेत को सुनकर के उनके उस तुमुल काव काव के शब्द को सुनकर भी बाहर नहीं निकला तो अंततः उसके सभी साथी कौवे चल दिए। लेकिन चलते हुए भी उन कौवों के झुंड के जो मुखिया कौवा था उस कौवे ने उस पेट के भीतर घुसे कौवे को समझाने का अंतिम प्रयास किया और उसे आग्रह किया कि बाहर निकल जाओ और चल जाओ, और उसे यह भी कहा कि अगर तुम यहीं पर रहते हो तो तुम्हें कोई न कोई विपत्ति आ सकती है, इसीलिए चल जाओ। लेकिन उस मांस लोलुपी कौवे ने अपने उस मुखिया कौवे की बात पर भी कान नहीं दिया, जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब उसके साथी कौवे तो चल दिए। इधर ग्रीष्म ऋतु आ गई, बड़ी तेज गर्मी का समय आया और गर्मी के समय में धूप के ताप के कारण से हाथी का मल द्वार सिकुड़ गया। अब कौवा चाहे कितना भी प्रयत्न करे बाहर निकलने का, लेकिन वह बाहर निकलने में असमर्थ था। ग्रीष्म ऋतु बीत चली, उसके पश्चात वर्षा ऋतु भी आ गई, और जब वर्षा ऋतु में मूसलाधार पानी की वृष्टि हुई तो उस पानी के अंदर पानी के उस प्रवाह के कारण हाथी का वह कलेवर बह गया और बहते 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 न जाने कितनी ही दूर पहुंचकर अंत में समुद्र में जाकर के मिल गया। जब इतने लंबे समय तक हाथी का वह कलेवर पानी के अंदर पड़ा रहा तो हाथी का चमड़ा कुछ नरम हुआ, ढीला पड़ा, और तब कौवा उसमें से बाहर निकला। लेकिन बाहर आकर के जब उसने चारों तरफ पानी ही पानी देखा, क्योंकि वहां समुद्र था, हाथी समुद्र तक पहुंच चुका था, और जब उसने कौवे ने चारों तरफ पानी ही पानी देखा तो अब वह घबराने लगा। लेकिन उस कौवे का सौभाग्य ऐसा था कि उसी समय वहां से एक जहाज होकर के निकल रहा था और उस जहाज का संचालक बड़ा ही दयालु हृदय का व्यक्ति था। उसने जब कौवे को मुसीबत में पड़ा देखा तो कौवे की जान बचाने के उद्देश्य से अपना जहाज हाथी के उस कलेवर के पास होकर निकाला। जहाज को निकट आते देखकर उस मांस लोलुपी कौवे ने सोचा कि जहाज का आश्रय लेने से मेरी रक्षा हो सकती है, लेकिन इस समय में यह हाथी के भीतर का मांस बहुत ही ज्यादा मुलायम हो रखा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत मांस और खा लेता हूँ, उसके पश्चात उड़कर के जहाज पर सवार हो जाऊंगा। यह सोचकर कौवा फिर से हाथी के भीतर घुस जाता है। इधर जहाज आगे बढ़ जाता है और जब मांस का भरपेट भोजन करने के पश्चात कौवा पुनः बाहर आया तब तक जहाज अदृश्य हो चुका था। अब जहाज उसे कहीं दिखाई नहीं दिया और तभी समुद्र के अंदर से एक विशाल काय मत्स्य आया जिसने हाथी के कलेवर को पकड़ करके उसे समुद्र के अंदर ले जाकर के उसे जलमग्न कर दिया, यानी जल के भीतर गहराई में ले जाकर उसे डुबो दिया। अब
कौवा इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ता ही रहा, भागता ही रहा। वह अपने पंख फैलाकर इधर से उधर दौड़ रहा है, उड़ रहा है, लेकिन उसे उस अथाह जल राशि का कहीं अंत आता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी उसे कहीं पर भी टिकने के लिए कोई स्थान नजर नहीं आया। चारों तरफ समुद्र की विशाल जल राशि ही जल राशि। बड़ी देर तक वह उड़ता ही रहा, उड़ता ही रहा, लेकिन अंत में थक कर चूर हो गया। और धीरे धीरे जब इतनी बुरी तरीके से वह थक गया तो वह पंख फैलाए अपनी उसी स्थिति में जल के अंदर गिर पड़ा और तड़फ तड़फ कर मृत्यु के मुख में चला गया। यानी उसकी मृत्यु हो गई। यह कथन करने के साथ ही साथ जम्बू कुमार आगे समुद्र श्री से कहते हैं, समुद्र श्री, यह संसार भी समुद्र के समान ही है और हम सभी जीव उस कौवे के समान है। जिस तरह से कौवा मांस लोलुपी था और उस मांस के लालच के कारण से अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, बड़ी ही दुखदायी उसकी मृत्यु हुई, ठीक उसी तरह से हम सभी जीव भी संसारिक सुखों के लोलुपी हैं। हम सभी जीव इस संसार में रहकर के सुखों का ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं, लेकिन हमें कौवे के मुखिया के समान हमें सद्गुरु समझाते हैं। कभी कभी किसी के सद्भाग्य से उसे समझाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी किए चले जाते हैं और अंत में दुखों के भोगी बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी फिर से हमारा सद्भाग्य उदित होता है, जो कि हमें धर्म रूपी जहाज मिल जाता है और उस जहाज के संचालक जो सद्गुरु हैं, वे सद्गुरु हम पर दया करके हमें उस कठिनाई से, उस विकट परिस्थिति से बाहर निकालने का भी लक्ष्य करते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी उस सुख प्राप्ति के लालच को नहीं छोड़ पाते हैं और धर्म जो कि द्वीप रूप हो सकता है, उस विशाल समुद्र के भीतर धर्म द्वीप रूप है। इस संसार के अंदर धर्म ही है जो हमारे लिए त्राता है, रक्षक है, शरणभूत है, लेकिन हम उसकी शरण ग्रहण नहीं करते हैं और अंत में पछताते हुए बड़ी ही दुखदायी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और पुनः पुनः उसी संसार समुद्र के अंदर भव भ्रमण करते चले जाते हैं, भटकते ही चले जाते हैं। जम्बू कुमार के मुख से यह वस्तु स्थिति का यथार्थ चित्रण सुन करके समुद्र श्री की भी आंखें खुल गई। उसे भी सांसारिक सुखों की निस्सारता का अनुभव हुआ। जो भी व्यक्ति एक बार भी रुक कर आंखें खोल कर जरा चिंतन करेगा तो हमारा सबका अपना अनुभव भी हमें यही कहेगा कि सचमुच सांसारिक सुखों में कोई सार नहीं है। जितना अधिक हम इन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं उतना ही अधिक हम दुखी होते चले जाते हैं। सुखों के साथ में दुख लगा ही रहता है, क्योंकि सुख का कायदा ही यही है कि हर सुख दुख को साथ लेकर के ही आता है। और इसीलिए तो मोक्ष जो है, मुक्ति की जो अवस्था है, वह हकीकत में सुख की अवस्था नहीं है, बल्कि वह तो आनंद की अवस्था है, क्योंकि आत्मा का जो गुण है वह अनंत सुख नहीं है, अनंत आनंद उसे कहा गया है। और आनंद सुख और दुख दोनों से परे है। आनंद की अवस्था में ना तो दुख होता है और ना ही सुख होता है। यद्यपि हम लोग आनंद को सुख के साथ में मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें लगता है आनंद का मतलब है सुखी होना, सुख होना, लेकिन आनंद ना सुख है ना दुख है और यही आत्मा की मौलिक अवस्था है। तो सांसारिक सुखों में तो सदा ही दुख जुड़ा ही रहता है। ऐसा सुख हो ही नहीं सकता जिसका परिपूरक दुख उसके साथ में ना रहता हो। समुद्र श्री इन सब बातों को बड़ी ही गंभीरता पूर्वक सोचती है, मनन करती है और उसे भी सांसारिक सुखों की निस्सारता दिखाई दे जाती है, समझ में आ जाती है। और जब एक बार ये सुख निस्सार लगने लग जाए, इन सुखों की असारता का अनुभव हो जाए, तो फिर वे सुख स्वतः ही छूट जाते हैं। उनको पाने की जो अभिलाषा है वो अभिलाषा ही मन के भीतर से निकल जाती है। तो अब समुद्र श्री के भीतर भी वैराग्य भाव उदय होने लगा और अब वह भी जम्बू कुमार के साथ ही दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो गई। समुद्र श्री की यह स्थिति देखकर, उसके भीतरी भावों में परिवर्तन आता देखकर जम्बू कुमार की अन्य सभी पत्नियां बहुत ज्यादा विचलित हो गई, मन ही मन बड़ी व्याकुल हो गई कि जो भी इन्हें समझाने का प्रयास करता है
वह स्वयं ही समझ जाता है जम्बू कुमार क्यों हमारी बात को नहीं समझ पा रहे, क्यों हमारी स्थिति को नहीं देख पा रहे हैं। तो यह विचलन अब जम्बू कुमार की दूसरी पत्नियों से क्या करवाती है? क्या जम्बू कुमार की अन्य पत्नियां भी जम्बू कुमार को समझाने के लिए आगे आती है, या वे भी जम्बू कुमार के द्वारा सुनाई गई इस स्थिति को समझ जाती है और स्वयं भी स्वतः ही बदल जाती है? सुनते हैं कहानी के अगले पड़ाव में। आज इतना ही। ओम शांति, ओम शांति। जय हो, जय हो।